गूगल ओपन करोगे, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखोगे लारावेल कंपोजर, ठीक है, इस तरह, अगर डाउनलोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, और अगर डाउनलोड हुआ हुआ है तो ठीक है, दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप जो URL सर्च करेंगे वो हमारे पास होनी चाहिए getcomposer.org वाली, ठीक है, laravel.com पे नहीं जाना, सही है, आपने जाना है डाउनलोड कंपोजर यानी getcomposer.org वाले पे। यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ डाउनलोड करने के बाद मैं जो है वो इसका सेटअप चलाऊंगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल अगर है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊंगी और यहाँ के लिखूंगी कंपोजर डैश वी, एंटर करा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपने ये वाला जो है वो सेटअप चलाना है, ठीक है। जब आप ये सेटअप चलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड लिखकर, ठीक है, ये पाथ आप देखोगे कि भाई कौन सा वाला है, नेक्स्ट करोगे और इसको नेक्स्ट करके फिर फिनिश कर दोगे। उसके बाद आपने आकर क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके दोबारा आप चेक करोगे कि कंपोजर डैश वी लिखने पे मेरे पास आ रहा है या नहीं। अगर ये मेरे पास आ रहा है तो मैंने जाना है CD डबल डॉट या ये आपके पास होता है ना C कॉलन, यानी C कॉलन करके जो है वो मैं C पे भी जाती हूँ, ठीक है, लेकिन आप CD डबल डॉट करके चले जाओ, प्रॉम्प्ट चेंज करना है मैंने, ठीक है, मैं कहाँ आ गई, सी पे आ गई, CLS मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियर स्क्रीन करी, मेरे पास सी प्रॉम्प्ट है, मुझे मूव करके जाना है CD, जैम का फोल्डर मेरे पास मौजूद है, उसके HT डॉक्स के अंदर काम करना है। लारावेल क्या है, PHP का फ्रेमवर्क है, तो PHP के प्रोजेक्ट कहाँ रखते हैं, HT डॉक्स में रखते हैं, तो लारावेल के भी हम कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गई, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फोल्डर में आओ, इधर जैम में HT डॉक के अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे अपना कोई भी नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी कंपोजर स्पेस क्रिएट डैश प्रोजेक्ट डबल डैश प्रिफर डैश डिस्ट, ठीक है, और यहाँ है लारावेल/लारावेल और आपके प्रोजेक्ट का नाम, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम बता दो, ऑनलाइन बुक रख दूँ, बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर मैंने क्या रखा है, प्रोजेक्ट का नाम। अब ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, समझ में आई बात, क्रिएट करो इसे, करना है VS स्टूडियो कोड है जो हमारे पास, इसको ओपन किया मैंने, और यहाँ आने के बाद फाइल पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो भी मेरा पहले का खुला हुआ है उसको मैंने क्लोज फोल्डर कर दिया, और यहाँ आके मैं ओपन फोल्डर पे जाऊंगी, सी में जैम HT डॉक ऑनलाइन बुक स्टोर सिलेक्ट फोल्डर करा, ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन करो, इसे ओपन करोगे और यहां टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, ओपन फोल्डर करना है जैम से और टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल करना है, तो मेरे पास यहां टर्मिनल आ जाएगा, जल्दी करो इसे, ये सारे फोल्डर आएंगे, आपने सही फोल्डर खोला है, आएंगे, ठीक है, आप इसको इस तरह ना देखिए, इस तरह एक्सपेंड करके देखिए, ठीक है। यहाँ पब्लिक के फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेजेस होंगी, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास वेबसाइट यानी जो मेरे पेजेस हैं वो इसमें होंगे, और राउट्स के अंदर मेरे पास पाथ डिफाइन हुआ होगा कि कौन से पाथ पे मेरा कौन सा पेज ओपन होगा, ठीक है। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपने इमेजेस रखनी है, अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मैं नहीं रख रही, रिसोर्सेज में आओगे, व्यूज में आओगे, यहाँ welcome.blade पहले ही मौजूद है, राउट्स में आके web.php पे आप देखोगे कि अगर मैं स्लैश लिखती हूँ यानी अपने लोकल होस्ट पोर्ट के बाद तो मेरे पास कौन सा पेज खुलेगा, वेलकम का लिखा हुआ ना इधर वेलकम, और वेलकम के पेज का सिर्फ नाम लिखा हुआ है .blade.php नहीं लिखा हुआ, समझ रहे हो,
ठीक है। ब्लेड डॉट पी एस पी बना हुआ है, सही है ना। अब यहां भी जो मैंने टर्मिनल न्यू टर्मिनल किया, तुम भी करो न्यू टर्मिनल, तुम्हारे पास यहां भी तुम्हारा पाथ लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। यहां तुमने लिखना है पी एच पी आर्टिसन सर्फ, ठीक है, एंटर करो। ये चल रहे हैं तुम्हारे पास, तो ये जो तुम्हारी यू आर एल है ना, इसको सेलेक्ट करोगे यहां से लेके यहां तक, कॉपी करोगे और अपना कोई भी ब्राउजर खोलकर उस पे क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करो। ये पेज आना चाहिए, ठीक है, ये वाला पेज आना चाहिए, इधर देखो आप। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला पेज आ रहा है लारावेल का। ये पेज मेरा कौन सा है, ये वेलकम वाला पेज है। कौन सा पेज है ये, वेलकम वाला पेज है, ये रहा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। मुझे जो है ना वेलकम पेज नहीं रखना, मुझे इंडेक्स का पेज रखना है। तो व्यूज पे राइट क्लिक करा, न्यू फाइल इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, सही है। जब मैंने यहां डिफाइन किया इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है, व्यूज पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। व्यूज मिलेगा तुम्हें रिसोर्सेज के फोल्डर में, ठीक है, उसके अंदर व्यूज का फोल्डर होगा, न्यू फाइल करो उस पे इंडेक्स डॉट, इधर वेलकम की जगह मैं क्या लिख दूंगी, इंडेक्स, क्या लिखूंगी, इंडेक्स, सेव करो। और इसके बाद इस वाले पेज को आके रिफ्रेश करो तो ये पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स के पेज पे कुछ भी मौजूद नहीं है। हाँ सही है। अब इधर देखो, ये वाला जो मेरा है, ये मेरे पास यूआरएल बताता है कि किस यूआरएल पे क्या खुलना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट स्लैश है। इसके आगे मैंने किसी पेज का नाम तो नहीं लिखा ना कि इंडेक्स खोलना है कि क्या खोलना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे इधर भी स्लैश लगा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। इस वाले को कॉपी करा मैंने, पेस्ट, तीन दफा पेस्ट करा मैंने। अब तीन दफा पेस्ट करने के बाद एक दफा मैंने इसके अंदर लिखा शॉप, ठीक है, और इधर मैंने लिखा अबाउट, और यहां पे मैंने लिखा कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब हर इसके उसमें इंडेक्स का पेज नहीं खोलना, इनके अपने अपने पेज खोलने। शॉप में कौन सा पेज खुलेगा, शॉप का खुलेगा, यानी प्रोडक्ट का खुलेगा, सही है। अबाउट के अंदर कौन सा पेज खुलेगा, अबाउट का खुलेगा, और कॉन्टेक्ट में कौन सा पेज खुलना चाहिए, कॉन्टेक्ट का खुलेगा। अभी मैंने पेज कोई नहीं बनाए, सिर्फ यूआरएल बताइए, क्या बताइए, सिर्फ यूआरएल बताइए कि ये अगर यूआरएल लिखूं स्लैश शॉप तो कौन सा पेज खोलो, शॉप का। अगर स्लैश अबाउट लिखूं मैं यूआरएल पे तो अबाउट का पेज खुलना चाहिए, स्लैश कॉन्टेक्ट लिखूं तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, कॉन्टेक्ट का, सही है। ये लिख के मैंने सेव करा। अगर मैं अब यहां लिखूंगी तो मेरे पास पेज नॉट फाउंड आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने लिखा स्लैश शॉप, एंटर करा, आ रहा है कि भाई आपके पास व्यू शॉप नॉट फाउंड, यानी पेज उसको नहीं मिल रहा, आ रहा है ये एरर। अब ये एरर है क्या, यहां लिखा हुआ आ रहा है व्यू शॉप नॉट फाउंड, यानी जो आपने यहाँ पे व्यू में डिफाइन किया है ये इसको कहीं नहीं मिल रहा। आर यू श्योर व्यू एग्जिट एंड इट्स ब्लेड डॉट पी एच पी, वो कह रहे हैं कि आप क्या श्योर हो कि आपने फाइल बनाई है ब्लेड डॉट पी एच पी की, मैंने तो नहीं बनाई, ठीक है। तो ये एरर आपको कैसे पता चला कि ये एरर इस चीज का है, ठीक है। इस तरह का कभी भी एरर आए तो आप पहले एरर पढ़ने की कोशिश करो कि ये आ क्यों रहा है, एरर एरर करके श्योर नहीं करना, पढ़ना है और देखना है, ठीक है, ये एरर आ क्यों रहा है, ठीक है। अच्छा अब बनेगा कहाँ, यहाँ व्यूज में बनेगा, व्यूज के फोल्डर पर राइट क्लिक करा, न्यू फाइल जो मैं बनाऊंगी इन इस नाम से बनाऊंगी जो व्यू के अंदर लिखा है मैंने, क्या बनाया मैंने, शॉप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, एंटर करा। नाउ रिफ्रेश करो, इसको हो गया सही,
पीएचपी, सही है, ये सारी फाइल बनानी है, इंडेक्स की, अबाउट की, शॉप की, ये सब बन गई है मेरे पास, जो जो यहाँ पे लिखे हुए थे सबकी फाइल भी मैंने कहाँ बना दी, व्यूज के अंदर बना दिया, सही है। और यहाँ आप चेंज करके लिख सक देख सकते हो, सब पे एम्प्टी पेज आ रहा होगा, कुछ भी किसी पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए सब पे एम्प्टी आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ कुछ गलत लिखूंगी, ठीक है, और एंटर करूंगी तो वो कह देगा नॉट फाउंड, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मिलेगा, सही है। कॉन्टैक्ट सिर्फ स्लैश ये चल रहा है, सारे पेजेस मेरे चल रहे हैं। अब मसला ये नहीं है कि मेरे पास ये राउट्स हैं और इन पे मेरे पास सब पेजेस चल रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे ये तो आपके पास हो गया web.php। अब मुझे इसमें कोई काम नहीं करना फिलहाल, क्योंकि डेटाबेस का तो कोई काम है नहीं अभी, तो मैंने यहाँ पे कुछ करा भी नहीं है। इधर देखो, जो शॉप का पीछे इंडेक्स का कॉन्टेक्ट और ये, ठीक है, इसको देखा, इसको देखो, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, ये चारों पेजेस मेरे पास मौजूद है, इंडेक्स, शॉप, अबाउट और कॉन्टेक्ट सब एम्प्टी है। अगर मैं इंडेक्स वाले पे कोई टेम्पलेट बनाती हूँ, मतलब नेविगेशन, हेडर और फुटर, तो मुझे सबके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी सेम होगा। लेकिन जबकि ये मेरा पीएचपी का अगर फ्रेमवर्क है, तो पीएचपी में हम क्या करते थे, एक हेडर की फाइल अलग से बनाते थे, लेकिन ये फ्रेमवर्क है तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एमवीसी में था, उसमें एक लेआउट का पेज बनता था और रेंडर बॉडी करके हम टेम्पलेट के बीच में हम अपना कंटेंट डालते थे, इसमें भी हम वही काम करेंगे। अब व्यू के अंदर मैंने एक बनाना है क्या चीज, न्यू फाइल, और इसका नाम है मेरे पास मास्टर लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, बना लिया मैंने। बूटस्ट्रैप 4 जैसा टेम्पलेट होता है वो मैंने यहां लिख दिया। मेरे पास टाइटल क्या है, ऑनलाइन बुक स्टोर डैश, यहां पर मेरा हर पेज का टाइटल लगा, यानी मैं अगर होम पे हूं तो यहां लिखा आना चाहिए ऑनलाइन बुक स्टोर होम, अबाउट पे हूं तो यहां क्या लिखा आना चाहिए, ऑनलाइन बुक स्टोर अबाउट। वो आएगा कैसे, नहीं, अच्छा ये मुझे लिखना है, ये मेरे पास किसका है, ब्लेड स्निपेट एस का, यानी मैं यहाँ पे जो लिखूंगी यार्ड करके लिखना होता है, उसके लिए स्निपेट आप जो डाउनलोड करते हैं वो आप ये डाउनलोड करोगे, लारावेल मैंने यहाँ लिखा। ब्लेड स्निपेट को इंस्टॉल करूंगी मैं और एक लारावेल स्निपेट को इंस्टॉल करूंगी, ये दो स्निपेट होंगे ताकि मेरा कोड ऑटो हो सके, ठीक है, लेट स्निपेट और एक लालावेल स्निपेट, बस ये दो करने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर आकर अब मैंने लिखा बी कॉलन, आ रहा यहां पे एंड, ये बनाया मैंने और इसका नाम मैंने लिख दिया टाइटल, सही है। हर पेज पे मैं जो टाइटल डिफाइन करूंगी वो यहां पे खुद पुट हो जाएगा, सही है। ये आपका बूटस्ट्रैप 4 का टेम्पलेट है, याद है किसका टेम्पलेट है, बूटस्ट्रैप 4 का। ये आता कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए, B4 डैश डॉलर से आता है ऐसे, और इसके टाइटल की जगह पे मैंने ये लिखा है, ठीक है, समझ गए। ये मेरे पास हो गया टेम्पलेट में, बॉडी के अंदर इस वाली पोजीशन पे मैं लिखूंगी, ये देखो नेफ, ये होता है आपका बूटस्ट्रैप 4 डैश नेफ बार डिफॉल्ट होगा, ये रहा आ रहा है नजर, ठीक है, एंटर करा नेफ बार आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये नेफ बार आ गई आपके पास, इस नेफ बार को मैंने यहाँ पे हाइड करा,
नेव बार खुद ही आ रही होगी डैश डिफॉल्ट नीचे ड्रॉप डाउन में। इसके नीचे आप लिखोगे डिफ डॉट कंटेनर, ठीक है, और बस एंटर कर देना है। ये कंटेनर यहाँ आ जाएगा। कंटेनर के अंदर मेरे पास कंटेंट आना चाहिए, मेरा किसी भी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो मेरे पास इस पोजीशन में आना चाहिए नेव बार के नीचे। और फुटर फिर आप अपना यहाँ खुद बना लेना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बी कॉलन, अगेन यहाँ पे येल्ड आएगा और इस बार इसका नाम क्या है, कंटेंट। ऊपर क्या था, टाइटल, और नीचे क्या है, कंटेंट, यानी टाइटल यहाँ पास होगा, कंटेंट यहाँ पास होगा, ठीक है। इतना करो, ये मैंने यहाँ लिख लिया, सही है। यहाँ पे जो मेरा इंडेक्स का पेज है या मेरे बाकी के जितने भी पेज हैं उस पर मुझे लगाना है बी कॉलन एक्सटेंड। आ रहा है ये बी कॉलन एक्सटेंड। यहाँ पर आपका लेआउट का नाम आएगा, मेरे पास लेआउट का नाम क्या है, मास्टर लेआउट, बस। डॉट ब्लेड ब्लेड कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डॉट मास्टर लेआउट लिखना है, ठीक है। बी कॉलन, ठीक है, सेक्शन होगा यहाँ पे, इधर एंड सेक्शन मिटाऊंगी मैं पहले, यहाँ पर पहले मैं टाइटल डिफाइन करूंगी, जो स्पेलिंग वहां दी है ना वही देनी है, टाइटल कॉमा, ये मेरे पास कौन सा पेज है, होम का, सही है। ये डिफाइन करा, फिर दोबारा मैंने बी कॉलन सेक्शन, इधर एंड नहीं मिटाना, ये वाला एंड सेक्शन इधर नहीं मिटाना है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉन्टेंट, ठीक है। कंटेंट के अंदर अब मेरे पास क्या मौजूद है, मैंने हेडिंग 3 लगाई हुई है और मैंने यहाँ लिखा है होम पेज, इंडेक्स का है ना इसलिए मैंने यहाँ लिखा है होम पेज। यहाँ पे आई, रिफ्रेश करा, आ रहा है लिखा हुआ, सही है। ये पूरे पे कॉपी होगा, ये सिर्फ कॉपी हो रहा है, कहाँ जाएगा, शॉप पे, पेस्ट, यहाँ क्या हो गया शॉप, और यहाँ क्या हो गया शॉप पेज, ठीक है। इसी तरीके से कॉपी, अबाउट, यहाँ पेस्ट, यहाँ हो गया अबाउट, और ये हो गया मेरे पास अबाउट पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आ गए, यहाँ पेस्ट करा, ये हो गया मेरे पास कॉन्टैक्ट, और ये हो गया मेरे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ नेविगेशन अभी मैंने बनाई नहीं है, ठीक है, जब बनाऊंगी तो फिर नेविगेशन से चलेगा। शॉप, शॉप पेज, अबाउट, अबाउट पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज, सब पे नेव बार आ रही है, सही है। ये पीएचपी से आसान तरीके से ऐड हो जाता है, सही है ना, पीएचपी में आप इंक्लूड करा रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन पीएचपी में इंक्लूड में हेडर एंड फुटर आपको इंक्लूड कराना पड़ता है। यहाँ ये क्या, आपका कोई भी लेआउट है बीच में आपने कहाँ पे भी कंटेंट रखना है आप वहां प्लेस कर दो, ये वैसे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये बात समझ